हेलो एवरीवन, चैलेंजिंग सीरीज के डे 79 में आपका स्वागत है। आज का क्वेश्चन हमारा परसेंटेज पे बेस्ड है। चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। जो लोग मेरे बारे में या चैलेंजिंग सीरीज राउंड के बारे में जानना चाहते हैं, इस वीडियो को पॉज करके कंटेंट को पढ़ के पूरी जानकारी ले सकते हैं। हम लोगों का स्पेशल मैक टेस्ट पटना में BSC अकेडमी में राजेंद्र नगर और मोरिंग ब्रार में चल रहा है। जिन लोगों को भी हमारे टेस्ट में आना है वो इसका इन्फॉर्मेशन BSC अकेडमी जाके ले सकते हैं। ये सवाल में क्या है, ए सर्वे रिपोर्ट्स दैट द आइडल ग्रोथ रेट, बेरोजगारी की जो ग्रोथ रेट है ऑफ इंडिया इज गोइंग टू बी एन इंक्रीजिंग AP विथ फर्स्ट ईयर एज 5% एंड कॉमन डिफरेंस एज 5%। ठीक है, AP में बेरोजगारी की संख्या जो प्रतिशत है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। किस परसेंट रेट से? पहला साल 5% और AP में बढ़ रहा है, यानी कि हर बार 5-5% एक्सीड करते जाएगा। यानी कि पहला साल अगर हमारा 5% होगा तो अगला साल फिर क्या होगा, 5-10% होगा, फिर अगला साल क्या होगा, 15% होगा। इसी तरीके से आगे बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, ये हमारा AP में बढ़ रहा है। फिर हमें क्या बोल रखा है सवाल में, बट साइमल्टेनियसली द माइग्रेशन रेट इज एन इंक्रीजिंग GP। ठीक है, माइग्रेशन रेट भी इंक्रीज कर रहा है। माइग्रेशन मतलब क्या हो गया कि लोग, जब बेरोजगारी बढ़ रहा है तो लोग जो है एक जगह से शिफ्ट हो रहे हैं दूसरी जगह से। ठीक है, मतलब इंडिया से शिफ्ट हो रहे हैं दूसरी जगह। विथ GP विथ फर्स्ट ईयर एज 1%, GP में जब इंक्रीज कर रहा है उसका मतलब क्या हो गया हमारा कि पहला साल अगर 1% का डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, माइग्रेशन रेट जो है इंक्रीज कर रहा है, वो किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, 1% के रेट से इंक्रीज हुआ, तो अगला बार कॉमन रेशियो क्या दिए हुए, 2। कॉमन रेशियो 2 का मतलब क्या, 2 के मल्टीपल में ये इंक्रीज करता जाएगा। यानी कि दूसरे ईयर क्या होगा, 2% के रेट से इंक्रीज कर रहा है माइग्रेशन, फिर क्या होगा हमारा, इसमें फिर इंटू 2 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 4% के रेट से इंक्रीज कर रहा है माइग्रेशन। ठीक है, इफ पॉपुलेशन ऑन 31 दिसंबर इज 1, 2, 3, 4, 5 मिलियन। ठीक है, पॉपुलेशन जो है 31 दिसंबर 2018 को 1, 2, 3, 4, 5 मिलियन था, तो पूछ रहा है फाइंड इन विच ईयर विल इंडिया विटनेस इट्स फर्स्ट फॉल इन आइडल। ठीक है, पहला फॉल इंडिया कब देखेगी। तो सवाल ना बिल्कुल आसान है, जैसे ही आप लोगों ने यहाँ पे देखा ना 1, 2, 3, 4, 5 मिलियन, एक अटपटा सा नंबर मिला है आपको और ये नंबर ही सिंपली इंडिकेट कर दे रहा है आपको कि इस सवाल में कोई जान नहीं है, जस्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, क्या है, लिटरली जस्ट एक ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो आप समझो इस चीज को, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारा जब बोल रहा है कि बेरोजगारी की संख्या जो है बढ़ रही है किस रेट से, हमारा ग्रोथ रेट क्या है, हमारा ग्रोथ रेट क्या है, हमारा सवाल का ग्रोथ रेट है हमारा 5% का पहले साल, फिर नेक्स्ट ईयर का कितना, 10%, फिर नेक्स्ट ईयर का कितना, 15%, लेकिन लोग माइग्रेट भी कर रहे हैं तो पॉपुलेशन में क्या होगी, कमी आएगी। तो कमी जब आएगी, माइग्रेशन का जो रेट है हमारा, माइग्रेशन का रेट किस तरीके से बढ़ रहा है, माइग्रेशन का रेट बढ़ रहा है मल्टीपल में, यानी कि GP में, पहला साल 1%, दूसरा साल 2% एंड तीसरा साल 4%, इसी तरीके से आगे बढ़ेगा। तो हमारा देखो यहाँ पे 31 दिसंबर 2018 के बारे में मुझे मालूम है कितना इतना था, 19 में हमारा क्या हो जाएगा, 19 में जो है हमारा बेरोजगारी की संख्या, आइडल ग्रोथ रेट जो है वो बढ़ जाएगा 5% से, लेकिन जो माइग्रेट कर रहे हैं वो लोग, वो क्या होंगे, 1% से घट जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक तो हमारा ग्रोथ ही था, मतलब 5% से बढ़ा, 1% से गिरा, क्या है, अभी तक ग्रोथ ही है हमारा। ठीक है, फिर 2020 में हमारा क्या होगा, 2020 में हमारा होगा 10% से बढ़ेगा, 2% से गिरेगा। ठीक है, तो 10% बढ़ गया, 2% गिर ही गया, तो क्या हो गया, अभी तक फॉल नहीं हमने देखा। ठीक है, फिर हम लोग 2021 में आएंगे, 2021 में हम लोगों ने क्या देखा, 15% का ग्रोथ देखा और 4% का फॉल देखा। इसी तरीके से हमको आगे आना है। अभी देखो आगे जब मैं लिखूंगा 2022 में, ठीक है, 2022 में क्या हो जाएगा हमारा, 20% का ग्रोथ होगा और यहाँ 4 × 2 जब मैं करूंगा तो यहाँ पे 8% का क्या होगा, फॉल होगा। स्टिल अभी हम लोग क्या है, ग्रोथ पे ही, मतलब ठीक चल रहा है, मतलब अभी हम लोग फॉल नहीं देखें। फिर 2023 में जब हम लोग आएंगे, 2023 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 25% हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 16% इंटू 2 करेंगे तो 8 × 2 कितना हो जाएगा, 16%। अभी भी फॉल 25% से बढ़ गए, 16% से कम हो गए, मतलब कुछ तो हम लोग बढ़े हैं। फिर अगला हम लोग देखते हैं 2024 में। ठीक है, 2024 में देखो तो क्या होगा, 25 से जब 5 बढ़ेंगे तो हो जाएगा 30%, 30% आ गया, और यहाँ से जब 16 × 2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 32%। अब देखो यहाँ पे फॉल साफ साफ दिख रहा है, कैसे दिख रहा है साफ साफ फॉल, कि 30% से हम लोगों ने अपने जो आइडल रेट है हम लोगों का, जो बेरोजगारी की संख्या है, वो 30% हम लोगों की बढ़ गई। ठीक है, लेकिन हमारा माइग्रेशन जो है वो 32% बढ़ गया, 32% हो गया। तो ऑब्वियस है यहाँ पे जितना ग्रोथ हुआ उससे ज़्यादा लोग तो माइग्रेट कर दे, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या नोटिस किया कि यहाँ पे हमारा पॉपुलेशन में क्या हो गया, फॉल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे फॉल जब हुआ, जब वो विटनेस
हमारा बेरोजगारी में फॉल हुआ वो कब कौन से ईयर में हुआ हमारा 2024 में, और इसी के साथ हमारा यही ना पूछा था सवाल में कि कब इंडिया विटनेस करेगी इट्स फर्स्ट फॉल इन आइडल, आइडल बेरोजगारी में कब वो फॉल फर्स्ट करेगी, तो फॉल कब वो देखेगी कि बेरोजगारी की संख्या जिस तरीके से हो रही है उससे ज़्यादा तो हमारा माइग्रेशन हो जा रहा है, ठीक है, तो माइग्रेशन हो जाने का मतलब क्या हो गया, जहाँ मेरा फॉल हो रहा है, तो फॉल होना कौन से ईयर में हुआ हमारा 2024 में, और इसी के साथ हमारा आंसर जो है 2024 है और आंसर, ठीक है। लिटरली सवाल में कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बनानी थी कि 5-5% से एपी में बढ़ रहा है, यानी कि हर बार उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा 5%, और जीपी में जब बढ़ता है तो क्या होता है 2% से, 2 से मल्टीप्लाई होता चला जाता है, तो बस इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को सीधा रेट आगे बढ़ते चले जाना था, और जो फॉल दिखा है वो कहाँ पर पहला बार दिखा है, और आगे भी आप जब बढ़ोगे तो फॉल ही होगा, अब 30 से यहाँ देखो क्या होगा 35 होगा, और यहाँ पे आप जब 32 से करोगे तो क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे फॉल होगा, क्यों फॉल हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर तो माइग्रेट ही कर जा रहे हैं लोग, तो ज़्यादातर माइग्रेट कर जा रहे हैं ना, ग्रोथ तो कम ही हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या नोटिस किया उन लोगों ने, सबसे पहले फॉल नोटिस किया, और इसी के साथ हमारा आंसर कितना है 2024। होप आप लोगों को क्लियर होगा।